कैंसर पेशेंट को यज्ञ के चिकित्सा के द्वारा खड़ा करने का, स्वस्थ करने का श्रेय जिन्हें जाता है, ऐसी श्रीमती ललिता जी भंडारी जो घाटकोपर से हमारे बीच पधारी हैं, उन्हें मैं निमंत्रित करूंगा मंच के सम्मुख आने के लिए, जिन्होंने कैंसर पेशेंट की चिकित्सा यज्ञ के द्वारा की है, और बहन के शब्दों में ही उनकी चिकित्सा का अनुभव सुनेंगे। हरिओम। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। वहाँ पर महिलाओं के लिए हम खासकर काम करते हैं, तो ऐसे हमारे 6 बैचेस चलते हैं, वहाँ पे 6 वर्ग चलते हैं, सुबह के टाइम 3 और शाम के वक्त 3 वर्ग चलते हैं। पर यहाँ पे हमारी वर्ग की यानी हमारी योग जो वर्ग है वहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है, और वहाँ पे भी वैसे भी हम ज्यादा नहीं देते क्योंकि ये झोपड़पट्टी एरिया यानी स्लम एरिया में ये हम कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो वो महिला जब वो हमारे यहाँ आई थी तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया, तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपके मेरुदंड में फैल गया है, आपके पीठ में पूरा फैल गया है, तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने उतना आप उनसे कहा कि आपको कितना विश्वास हम पे है, हमारे यहाँ पे जो 2 साल से हम यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं तो कितना विश्वास आप हमसे रखते हैं, तो आपको जो हम कहें वो आप करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी कि नसीब भाई के सहयोग से और मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यानी यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे, तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी 1 ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहां पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया, जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो इस तरह से हम बहुत सारी सेवाएं करी। अब हमारे यहाँ पे बहुत कैंसर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं बता रहे हैं। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। धन्यवाद सुरेश जी।